बहु मदन गोपाल गोपाल चयन विशाल श्याम घल आशुभील यदु वंशमो चयन विशाल श्याम घल आशुभील यदु

नमस्कार रागगिरी गिरी वीकेंड इंटरव्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है और इस हफ्ते हमारी खास मेहमान हैं अरुंधति पटवर्धन जी भरतनाट्यम का जाना माना नाम है और कैसी रही है अब तक की उनकी ये जो नृत्य की यात्रा है जो उनकी जर्नी है उस पर बातचीत करेंगे और उस विचार पर भी बातचीत करेंगे जो वो कार्यक्रमों को कंसीव करते वक्त अपने मन के अंदर उनके आते हैं उस पर भी बातचीत होगी पहले तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है अरुंधति जी आपका Thank you. और शुरुआत से ही चलते हैं सिलसिलेवार तरीके से और आपने तो घर में ही ऐसा माहौल पाया बचपन से ही कि हुँ. बाहर कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी होगी जो भी हाथ पैर थिरकते रहे होंगे बचपन में वो अपने आप उनको सही तरीके से और सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए मा थी घर पे जी आ... वैसे तो आ, मैं बहुत छोटी थी तब से आई के साथ सब जगह जाती थी जैसे उनका प्रोग्राम चालू होता था तो विंग में बैठ के देखती थी आ, बिल्कुल यूज टू कैरी मी एवरीवेयर सो बहुत बचपन से देखते आई हूं हालांकि डांस शुरू किया बहुत लेट क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्टेड थी और आ, मैं नेशनल स्विमर थी तो मेरे आ, 16 सोलह साल तक मैंने स्विमिंग के अलावा कुछ नहीं किया स्विमिंग और स्कूल स्टडीज तो उसके बाद में मेट एन इंजरी तो आ, तभी स्विमिंग थोड़ा सा पीछे रह गया तो कुछ तो चाहिए था जो मुझे एक सेंस ऑफ अचीवमेंट दे तो आ, आई आ, ने बोला कि सोच लो तुम बचपन से देखते आई हो आ, मेरे साथ सभी जगह घूमते आई हो तो करके देख लो अगर अच्छा लगे तो तो ऐसे मेरी शुरुआत हुई एक्चुअली डांसिंग को नहीं तो आई वाज वेरी मच इंटरेस्टेड ऑफ़ कोर्स मैं सब जगह जाती थी देखती थी लेकिन डांस एक्चुअली बहुत लाइक टेंथ के बाद ही शुरू हुआ जो सीरियस रियाज और डांसिंग था वो मैं कोइंसिडेंस uh, देखिए कि मैं बाय प्रोफेशन एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ही हूँ और ओ। आ, और पच्चीस लगभग तेईस चौबीस साल से स्पोर्ट्स की दुनिया में जितने भी एक्शन होते हैं चाहे वो ओलंपिक हो चाहे वो क्रिकेट वर्ल्ड कप हो सब कुछ कवर करता रहता हूँ लेकिन म्यूजिक मुझे म्यूजिक से लगाव है कहने तो उसलिए संस्था शुरू हुई और फिर हम लोग इस तरह से आज बातचीत भी कर रहे हैं मुझे लगता है अरुंधति जी आप हम और आगे बढ़ें आपकी जर्नी में उससे पहले आप अपनी गुरु अपनी माँ और जानी मानी नृत्यांगना सुचेता छापेकर जी के बारे में भी बताइए ताकि हम टोटलिटी में फिर आपके इस इंटरव्यू को आगे लेकर बढ़ें हुँ, हुँ. आ, मेरी माँ के जो पिताजी थे वो आ, बेसिकली वो पुणा से पुणा महाराष्ट्र से ही थे उनकी फैमिली लेकिन उनकी फैमिली एजुकेशन में थी उनके जो फादर थे मेरे ग्रैंडफादर वो स्कूल uh, में साइंस और मैथ सिखाते थे और बहुत रेप्यूटेड टीचर uh, uh, हुआ करते थे लेकिन uh, मेरे ग्रैंडफादर को पहले से आर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट था तो ही वांटेड टू बी अ पेंटर तो कंजर्वेटिव मराठी फैमिली में ऐसे कला uh, कला का प्रोफेशन करना ये तो कोई उस टाइम में बात ही नहीं थी तो अराउंड एज ऑफ सिक्सटीन वो घर से भाग गए उनके एक दूर के चाचा थे वो बॉम्बे में रहते थे तो उनके पास वो चले उन्होंने ढूंढ निकाला उनको और उनके पास चले गए और बोला कि आप मुझे रख लो वैसे ही मुझे यही सीखना है यही करना है तो ही वेंट टू बॉम्बे और uh, मेरी माँ का जन्म पूना का है लेकिन वो uh, हमेशा मुंबई में रही थी Uh, उनके माता पिता के साथ तो uh, मुंबई का एक्सपोजर था और समहाउ मेरे ग्रैंड फादर का पहले से ये कन्विक्शन था कि मेरी बेटी को डांस सीखना है क्यों वो पता नहीं लेकिन उनको वो कुछ विजन था या उस, उन्होंने कुछ देखा होगा आई में तो मुझे पता नहीं लेकिन वो वो उनका विजन था कि शी वुड ओनली डांस शी वुड डू नथिंग एल्स तो uh, तभी इलेवेंथ एस एस हुआ करता था तो उसके बाद में uh, uh, उस टाइम उनको एक मास्टर सिखाने आते थे घर पे तो जब वो सेवेंथ एट स्टैंडर्ड में थी तो उन्होंने बोला कि अभी दो तीन साल सीखा सीख लिया अभी इनका अरंगेत्रम कर दो अरंगेत्रम मतलब भरतनाट्यम में पहला परफॉर्मेंस होता है तो उनके पिताजी बोले कि अरे अभी अभी तो ये बहुत छोटी है दो तीन साल ही सीखा है आप ऐसे कैसे बोल रहे हो मुझे डांस का कुछ पता नहीं है लेकिन मुझे इतना पता है कि इसको कुछ नहीं आ रहा है अभी तो वो बोले कि आपके जो गुरु है उनके पास मुझे लेके चलो तो ऐसे पार्वती कुमार मास्टर जो जो भी महाराष्ट्रियन ही थे लेकिन बहुत पैशनेट थे अबाउट डांसिंग और वो पहले महाराष्ट्रियन ऐसे थे जिन्होंने भरतनाट्यम उनका प्रोफेशन लिया उसमें रिसर्च किया आगे जाके मराठा राजाओं की रचना जो तंजावर में सिक्सटीन सेंचुरी में मराठा किंग्स रूल्ड फॉर हंड्रेड एंड तो जो शिवाजी के वंशज थे वो वहां पे थे और ये सब उन्होंने रिसर्च करके बाद में उसका प्रयोजन क्रिया प्रयोग किया उसका तो इनके पास आई को वो लेके गए और उसके बाद में आई का डांसिंग पूरा अच्छे से शुरू हुआ उसके साथ में जे जे स्कूल से उन्होंने जीडी आर्ट भी किया जो ग्रेजुएशन क्योंकि वो तो नेसेसरी था उनके पिताजी के हिसाब से तो ऐसे उनका शुरू हुआ फिर फिर तो आई वॉज वेरी पैशनेट अबाउट डांस तो उन्होंने फिर बंगलोर जाके चेन्नई जाके अम्म ट्रेडिशनल गुरु से भी सीखा और वो पहली ऐसी महाराष्ट्रियन डांसर थी जो यू नो यू नो उन्होंने भरतनाट्यम पॉपुलर किया महाराष्ट्र में जितको हमें तो कुछ पता ही नहीं था पुना में तो लोगों को कथक थोड़ा बहुत पता था और गुरु रोहिणी भाटे जी के वजह से पूना में बहुत सारा कथक हुआ करता था तभी 60's में तो उस तो उस टाइम भरतनाट्यम किसी को पता भी नहीं था तो तभी जब आई लाइक शी गॉट मैरिड टू माय फादर एंड देन शी केम टू पुणे एट दैट टाइम पीपल टू आस्क हर ये कौन सी डांस स्टाइल है या आप क्या करते हो और वो सब तो आई फील वेरी प्राउड दैट आई एम I'm I'm daughter of not only a a you know a dancer but रिसर्चर scholar और उनका जो वो जो विवरण करते हैं उनके परफॉर्मेंस के बारे में उससे क्या हुआ कि लोगों को पता चलने लगा वो स्टाइल के बारे में ऐसे नहीं रहा कि डांसर गुड लुकिंग है उसने अच्छे से कपड़े पहने हैं जो भी कुछ करती है वो अच्छा लगता है नहीं उसका मतलब क्या है वो क्यों है उसका साहित्य का मतलब क्या है वो सब उनके विवरण की वजह से मराठी लोगों को पता चलने लगा और उसका बहुत ही दिन इट बिकेम वेरी पॉपुलर यू नो आई ट्रैवल्ड अक्रॉस महाराष्ट्र जस्ट टू यू नो पॉपुलराइज करने के लिए लोगों को बताने के लिए उन्होंने बहुत uh, काम किया उस पे तो आई एम हैप्पी प्राउड एंड यू नो दे आर मिक्स फीलिंग्स बीइंग हर डॉटर बिल्कुल और इसमें कोई दोराया ही नहीं कि सिर्फ एक कलाकार कलाकार के तौर पर नहीं लेकिन uh... जैसे कहते हैं ना जो आप बात आपने भी कही कि प्रचार प्रसार जो उन्होंने किया वो भी बहुत अहम है और जो सब्सक्राइबर्स इस इंटरव्यू को देख रहे हैं हालांकि अरुंधति जी ने बताया लेकिन अरंगेत्रम यानी भरतनाट्यम में जब कोई भी जो शिष्य सीख रहा है वो गुरु की के आशीर्वाद से उनकी इजाजत के साथ जब पहला कार्यक्रम करता है तो वो बहुत ही उसके लिए बहुत खास पल भी होता है और आप किसी भी बड़े कलाकार से जाकर पूछें तो उसे और कुछ ना याद हो भले लेकिन उसको उसका रंगेतरम जरूर याद रहता है तो वो उसकी चर्चा कर रही थी आपने जब शुरू किया और आपने जैसा इस इंटरव्यू की शुरुआत में बताया भी कि आ, कुछ अनफॉर्चुनेट ऐसा रहा कि लेट शुरू हुआ और आप ज्यादा स्पोर्ट्स में रहे हालांकि ये सवाल मैं बाद में भी पूछ सकता था लेकिन पहले ही पूछ लेता हूं अभी कभी ऐसा लगता है कि यार देर हो गई सीखने में और वो जो शुरू के साल थे वो जो निकल गए इस वजह से या लगता है कि नहीं जितना सीखा जो सीखा वो बिल्कुल सही दिशा में सीखा और उसकी वजह से जो एक थिंकिंग आर्टिस्ट होता है ना जो जो आपके अंदर विचार आते हैं वो विचार वैसे ही स्वाभाविक तरीके से आते हैं आ, मुझे लगता है कुछ खोया नहीं मैंने क्योंकि मैं कभी डांस से दूर थी नहीं हालांकि मैं अपने आप में डांस नहीं कर रही थी मैं परफॉर्मर नहीं थी लेकिन बचपन से ही लाइक री अनालिटिकल और उनको सब आई थिंकर ऑफ नॉलेज तो हमारे घर में बुक्स का एक खजाना था तो जितना लाइक uh, लास्ट like, में तो वो अभी नहीं रहे तो तभी हमारे पास अराउंड थाउजेंड फाइव हंड्रेड बुक्स हमारे घर में थे तो उनका ये था कि जो भी आप करो उसमें पूरा ज्ञान आपको उसका होना चाहिए तो मुझे लगता है कि जब जब भी मैं तभी मैं स्पोर्ट्स कर रही थी लेकिन फिर भी मेरा एक कनेक्ट था क्योंकि घर में ही आई का डांस क्लास होता था और तीन दिन वो मुंबई जाती थी तो मुझे लेके जाती थी तो जो भी जगह जाएगी कोई परफॉर्मेंस देखने जाएगी कि नहीं गुरु गुरुओं को मिलने जाएगी तो सभी जगह अः मैं उनके उनके साथ में ही रहती थी तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभार आ, जो संस्कार हो जाते वो भी बहुत, uh, रखते हैं वी वॉन्ट टू लर्न यू नो तो ये जो पहले साल थे वो 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 एक अनोइंग संस्कार थे जो मुझे पता ही नहीं चला कि कभी वो हो गए मेरे ऊपर तो लाइक जब भी मैंने डां शुरू किया मेरा पहला क्लास मुझे याद है आई के साथ कि अभी अभी खड़े रहके सामने करना है तुम्हें तो आ, ऐसे ही हम करते गए करते गए तो आई ने पूछा कि ये तुमने कब सीखा मैंने तो तुम्हें सिखाया नहीं था तो यू नो देर आर थिंग्स विच आई जस्ट इन्वाइट बाय वॉचिंग जैसे आपने पूछा कि ऐसे मुझे ऐसे मुझे कभी नहीं लगा क्योंकि मेरा कनेक्शन था दो आई वॉज नॉट डांसिंग तो तो एक्चुअल डांस लर्निंग भी बाद में हुआ क्योंकि उसके सामने खड़े रह के हुआ फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया तभी हुआ और अभी भी चलते रहता है क्योंकि घर में ही वो है और हमारा डांस क्लास हमारा जो तो रियाज का स्पेस है वो भी आई के घर में ही है तो एवरी डे आई मीट आई दो नाउ आई एम मैरिड एंड स्टे एट अ डिफरेंट प्लेस आई एम एवरी डे आई एम मीटिंग हर सो इट्स लाइक मेरी सहेलिया बोलती है कि तुम्हें तो कुछ ससुराल या ऐसा कुछ नहीं है हर दिन तुम जाओगी तो भाई माँ मिल जाती है तो आपका जो प्रश्न था तो ऐसे मुझे कभी नहीं लगा ऐसा मुझे लगता है कि जो मैंने डायरेक्टली मैं इन्वॉल्व नहीं थी तो जो सीखा वो अभी मैं यूज कर रही हूँ जब भी मैं डांस कर रही हूं जो आ, मुझे सम uh, कुछ था बैक ऑफ माई माइंड वो अभी जब भी मैं कुछ कोरियोग्राफी करती हूँ या डांस करती हूँ या अभी आई के साथ कुछ कॉन्वर्सेशन करती हूँ उसके साथ में डांस करती हूँ तो वो सब मेमोरीज आ जाते हैं जो मैंने देखा है सुना है तो आई फील फॉर्चुनेट की दोनों साइड मुझे uh, दोनों साइड से एजुकेशन मुझे मिला तो, एक चीज और अब अच्छी हो गई है मुझे लगता है पिछले अ uh, 30 40 सालों में कि अब आपको उस सवाल का सामना नहीं करना पड़ता होगा जो सुचेता जी को करना पड़ता था कि ये भरतनाट्यम होता क्या है कम से कम अब ऐसी स्थिति नहीं है आपके रीजन में भी एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली कितना फिर भी जब भी मैंने आ, ऐसे घर में भी मेरे, I mean, ससुराल में भी उनको पता चला कि मैं डांसर हूं और फिर भी आई I मीन mean, डांसर तो तुम्हारा डांस तो तुम्हारा पैशन है ना फिर भी तुम क्या करोगी करियर क्या करोगी तो यही है मेरा करियर तो तभी तक लाइक ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव इ गो इट वॉज नॉट पीपल वेर नॉट यू नो रेडी टू एक्सेप्ट दैट कला भी एक आपका एक करियर हो सकता है उसमें भी आप पैशन के अलावा भी कुछ कर सकते हो और अर्निंग भी कर सकते हो ऐसा आ, उस टाइम भी नहीं था लेकिन अब अब तो है क्योंकि अब पोस्ट ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेस है उसके साथ में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वो सब बहुत ही डेवलप हो गया है महाराष्ट्र तो uh, अभी तो कोई ऐसे पूछता नहीं है लेकिन when I started, it was not like, तुम क्या करती हो ऐसे नहीं लोग पूछते थे भरतनाट्यम क्या है ऐसे नहीं पूछते थे लेकिन करियर करना उसमें फिर भी एक बड़ी बात बड़ी बात थी और आपने डिसाइड कब किया था अरुणती जी कि ये करियर के तौर पर आप इसको पिक करने जा रही हैं मतलब ठीक है घर में आई वो के लिए ग्रेजुएशन माय डैड वांटेड मी टू जॉइन हिज बिजनेस तो uh, उन्होंने बोला कि डांस तो तुम करती रहो वो तो आई के साथ तुम तुम करोगी लेकिन तुम कुछ तो ऐसा करो जो जिससे तुम मेरे भी साथ काम करो तो uh, उनका था कि मैं ग्रेजुएशन कुछ प्रॉपर स्ट्रीम uh, में करूं जैसे कॉमर्स या कुछ तो मैंने कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया उस, उसके साथ में मैं आईसीडब्ल्यू कर रही थी उसके साथ में तो जब ही पोस्ट ग्रेजुएशन करने का टाइम आया तो इट वाज लाइक अ कॉन्फ्लिक्ट यू नो कि अभी मैं मुझे लॉ भी करना था मुझे एमबीए करना था मुझे एंड देयर वाज ए भरतनाट्यम फॉर फॉर मी सो वो थोड़ा सा एक डिलेमा वाला पीरियड था तब लेकिन माय हस्बैंड से सेड टू तो मी वन थिंग दैट दीस थिंग्स यू कैन डू एनी टाइम लेटर ये कुछ भी तुम्हें सीखना है जो एक मेन स्ट्रीम यू नो है कोर्सेज uh, वो तुम कभी भी कर सकती हो लेकिन अभी डांस uh, जो है वो तुम अभी बीस साल कर सकती हो उसके बाद में तुम सोचोगी कि इसमें मैं कुछ अलग से करूं तो तुम नहीं कर पाओगी तो तुम अभी ये करो फिर बाद में तुम्हें लगता है कि तुम्हें कॉमर्स में ही कुछ करना है तो वो तुम कभी भी कर सकती हो सो दैट वाज सम डिसाइडर फॉर मी एंड बाय दैट टाइम आई थिंक मुझे पता चल चुका था कि यही है जो मुझे करना है बट ऑफकोर्स माई ग्रेजुएशन हेल्प मी इन लाइक वेन आई डिसाइडेड की अभी करियर ही करना है तो उसमें सब सब चीजें आ जाती है तो उसमें एक प्रोफेशनल एटीट्यूड आ जाता है मनी आ जाता है टाइम मैनेजमेंट ये सब मुझे मेरे ग्रेजुएशन ने भी सिखाया आई I मीन mean, एक एक था कि परंपरा का शिक्षण जैसे टेक्निक का शिक्षण डांस का लेकिन जो एक प्रैक्टिकल थॉट प्रोसेस है वो थोड़ा सा मुझे बिकॉज आई वेंट थ्रू दैट कॉमर्स स्ट्रीम वो थोड़ा सा मुझे हेल्पफुल हुआ ऐसे मुझे अभी लगता है क्योंकि अगर मैंने ग्रेजुएशन भी डांस में किया होता तो फिर उस पर मॉडर्न अप्रोच उसकी तरफ नहीं आता फिर ऐसे मुझे लगता है अभी हम लोग अरंगेत्रम की बात कर रहे थे आप अपना अरंगेत्रम जरा याद करके बताइए क्या <laughs> क्या खास था उसमें और निश्चित uh... नहीं होंगी नेक्स्ट ईयर तीस साल होंगे मेरे अरंगितम को नाइन्टी थ्री में, में मेरा अरंगित्व हुआ था तो तो अभी ऐसा है कि तब मुझे बिल्कुल आई के जैसा लगना था लाइक like, दिखना था उसके जैसा डांस करना था उसके जैसा शी वॉज लाइक अगर मैं कुछ नाचूंगी तो उसके जैसा बाकी बाकी कुछ मुझे पता नहीं था इतना था और मैं इतनी कैमरा कॉन्शियस थी कि वो आ, निमंत्रण पत्रिका पे भी आई ने क्लिक किया फोटोग्राफ है वो मैंने अभी तक रखा है तो कोई बाहर का आके मेरा फोटो नहीं खींचेगा तो हमारी बालकनी में आई ने एक फोटो खींच के हमने उसपे डाल दिया था और नया ड्रेस नहीं आई के ड्रेस में फिट होना था तो आई वॉज ऑलवेज लिटिल बिट ऑन अ प्लम्पर साइड तो वेट थोड़ा ज्यादा था तो आई ने बोला अगर मेरी ड्रेस में फिट होना है तुम्हें तो यू हैव टू रिड्यूस योर वेट तो आई रिड्यूज अराउंड 12 केजीज एट दैट दैट टाइम जस्ट टू गेट इनटू हर हर ड्रेस यू नो सो आई वाज सो ऑप्सेस्ड विथ हर वे ऑफ प्रेजेंटिंग हर और वो एक जैसे भगवान जैसे थी तभी मेरे लिए इन एवरी वे अभी भी है लेकिन अब मैं बताना चाहूंगी कि, कि अभी वो मेरे लिए तत्व स्वरूप गॉड है वो वो वोलॉन्ग रहेगी उसमें कुछ आई मीन I mean, मुझे दूसरा कोई दिखता ही नहीं है एज माई गुरु तो आ, वो तो मेरे साथ रहेगा ही लेकिन उस टाइम वो आउटर यू नो you know, जो कपड़े होते हैं दागिने होते हैं और वो जैसे दिखती है स्टेज पे वो मेरे लिए मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था और आ, साथ में आई I mean, मीन नटवांगम करने के लिए आई बैठी थी तो हर बार उसकी तरफ देखना वो मेरी तरफ देख रही है क्या मैं क्या डांस कर रही हूँ ये सब चीजें मुझे अभी भी याद है एंड उसके पहले मैंने एक चीज आई बहुत बार सबको बोलती है कि मैं कभी भी बोलती नहीं थी जैसे अभी इतना मैं बात कर रही हूँ तभी आई वॉज वेरी इंट्रोवर्ट और किसी के साथ बात नहीं करूंगी कोई मेरा अगर दिमाग में भी कुछ है मेरे तो मैं ऐसे एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी लेकिन अरंग्रम के दिन एक छोटा सा भाषण करना था हर, हर किसी को आई बोलती थी कि आपका एक्सपीरियंस आप बता दीजिए लोगों को भी अच्छा लगता है कि क्या आपका आई मीन स्टूडेंट का भी एक साइड होता है इस प्रोसेस का क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा पार्ट होता है अरंगित्रम की प्रोसेस का तो हर उस, उनके इसे हर स्टूडेंट बोलते थे उनके प्रोग्राम में तो मुझे भी उन्होंने बोला कि आपको भी बोलना पड़ेगा थोड़ा सा तो वैसे तो मैंने हाँ बोल दिया लेकिन मुझे पता नहीं था कि मैं क्या बोलने वाली हूं तो आई ने बोला कि अभी पहले लिख लिख के मुझे दिखाओ कि क्या बोल बोलना चाहोगी तू तो मैंने ऐसा लिखा क्योंकि वो बोलना नहीं था तो मैंने लिख दिया फिर आई बोली इतना सारा लिखा है बोल पाओगी क्या तो मैंने बोला देखती हूँ क्या करना है तो उस दिन विदाउट इवन सी इन द पेपर आई स्पोक फॉर टेन मिनट्स दैट मेरा पहला भाषण स्टेज पे तो जैसे मैंने बोला कि अनोइंगली वो जो संस्कार थे आई को मैंने इतनी बार ऑडियंस के सामने बोलते हुए एक्सप्लेन करते हुए अपने विचार रखते हुए देखा था सुना था कि शायद इट जस्ट केम आउट एट दैट टाइम तो ये एक विविड मेमोरी uh, है मेरे दिमाग में मेरे अरंगेत्रम की एंड देन आई वाज ऑल द टाइम वॉचिंग हर की वो मुझे देख रहे बाकी कोई देखे ना देखे वो मुझे देख रही है क्या वो उस उतना ही दिमाग में था कभी तो इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस क्योंकि वो मेरा लिटरली पहला प्रोग्राम था उसके पहले मैंने कभी स्टेज पे डांस नहीं कभी कभी क्या होता है जैसे स्टूडेंट्स एनुअल गैदरिंग्स में या कभी तो डांस कर लेते हैं मैंने तो कभी स्टेज पे डांस नहीं किया था वो लिटरली मेरा अरंगेट्रम बोलते जैसे पहला पाव स्टेज पे तो वैसा पदार्पण ही था तभी अभी बाकी कुछ होना ना हो लेकिन इस इंटरव्यू को जब आपके घर वाले देखेंगे और बाकी लोग भी देखेंगे तो वो जरूर आपसे पूछेंगे कि वो किलो वजन कम कैसे किया था ये बता दो पहले क्योंकि क्योंकि बहुत से लोग का इंटरेस्ट इसमें जरूर आएगा कि वो बारह किलो बहुत जल्दी जो आपने कम किया खैर मुझे ये बताया रंधति जब एक एक ट्रेडिशन हो घर में और आप चाहे वो डांस का हो डांस के सब्जेक्ट का हो यानी जो थीम है जब आप पिक करते हैं कि हाँ किसी कवि की किसी रचना पे नृत्य होना है किसी किसी अलग विषय पर होना है इन सब चीजों को जब आप आज के आज के समय में जब आपके सामने कोई सपोज करिए आता है और कहता है कि हमें आपका एक घंटे का एक कार्यक्रम कराना है या डेढ़ घंटे का कराना है एक कार्यक्रम आप किस तरह से कंसीव करती हैं ये लगता है कि नहीं जो मेरे पास जो पुरानी चीजें हैं पारंपरिक चीजें हैं भरतनाट्यम की वही प्रस्तुत करना है या लगता है कि नहीं वो तो कर ही रहे हैं तीस साल से क्यों ना कुछ नया सोचें कुछ नए विषय पर काम करें किस तरह के माइंडसेट के साथ एक नए प्रोग्राम को अप्रोच करती हैं आप वो प्रोग्राम कहा है किन लोगों के लिए है उसका वेन्यू क्या है कौन उसके यू नो ऑर्गेनाइजर्स कौन है इस सब पे ये डिपेंड करता है मुझे सब परफॉर्म करने में अच्छा लगता है जो मैंने ट्रेडिशनली सीखा है वो भी अच्छा लगता है और मेरी अपनी जो कोरियोग्राफीज है या कुछ कमीशन प्रोग्राम्स होते हैं जैसे ऑर्गेनाइजर्स का कुछ यू you नो know, उनको कुछ चाहिए होता है जैसे अभी हमने एक वाटर कंजर्वेशन पे एक कुछ किया तो या कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट देके उस उसपे उनको चाहिए होता है तो मुझे लगता है कि मुझे ऐसे कभी नहीं लगता डांस मेरे लिए एक ही है मुझे एक ही डांस आता है एक ही लैंग्वेज आती है जो भी मुझे एक्सप्रेस करना है वो मैं उसी टेक्निक में उसी लैंग्वेज में करूंगी और जैसे आपने पूछा कि मुझे सब कुछ अच्छा लगता है मुझे जो ट्रेडिशनल वे ऑफ प्रेजेंटेशन है वो भी अच्छा लगता है तो एज आई सेड क्या मैं परफॉर्म करूंगी ये बिल्कुल मैं uh, वो ऑडियंस क्या है और रिक्वायरमेंट क्या है और वो कहाँ वेन्यू उस पर वो डिपेंड uh, करेगा लेकिन एक चीज है कि uh, उसको एक, uh, एक ट्रैवल होना चाहिए ये जो आई से सीखा है कि वो परफॉर्मेंस फ्लैट नहीं जाना चाहिए उसको एक एलिवेशन चाहिए वो एक ए पॉइंट से शुरू कहीं तो भी वो लेके जा, लेके जाएगा अपने ऑडियंस को यू नो द ऑडियंस टू ट्रैवल विथ अस वो एक जो है और उसमें कुछ तो जिसको हैपनिंग बोलते हैं नाट्य तो उसमें वो नाट्य का एलिमेंट रहना बहुत जरूरी है क्योंकि उसी से ऑडियंस प्रेजेंटेशन uh, में इन्वॉल्व होगा नहीं तो इट इज जस्ट ंग इन द इन द स्पेस और जो दिख रहा है वो अच्छा अच्छा दिख रहा है लेकिन ऑडियंस का इन्वॉल्व होना तभी होगा जब उसमें वो happening रहेगा तो ये दो चीजें मैं कुछ भी परफॉर्म उसमें मैं, उसमें मैं हमेशा वो ध्यान में रखती हूँ और उसके एक्सप्लेनेशन्स क्योंकि ऐसा है कि डांस की तीन लैंग्वेजेस है जैसे शब्दों की है संगीत की है और जो हस्त मुद्रा और एक्सप्रेशन की है इसमें से एक्सप्रेशन तो लोगों को पता चल जाएंगे लेकिन हस्त मुद्रा इतनी सांकेतिक है कि वो कभी समझ में नहीं आती ये साउथ की नृत्य शैली है तो भाषा नॉर्थ में समझ नहीं आती और संगीत कर्नाटकी संगीत होता है तो महाराष्ट्र और अपवर्ड्स कर्नाटकी संगीत इतना सुना सुनने में नहीं हमें मिलता है तो मैं ये भी ध्यान में रखती हूँ कि ये सब उनको वो कैसे एंजॉय करेंगे तो उसका भी एक छोटा सा कुछ दिमाग में रख के उनको वो एंजॉयबल वो ऐसा थोड़ा सा उसका स्ट्रक्चर बना के फिर वो प्रेजेंट करना ये दो चीजें मैं कोई भी परफॉर्मेंस में दिमाग में रखती हूँ मतलब आपके जवाब से जो मैं समझ पाया क्या इसका आशय कहा जा सकता है कि आप अपनी प्रस्तुति में भाव पक्ष तो जो है वो है ही है लेकिन अभिनय पक्ष जो है उसको भी बहुत इंपॉर्टेंस देती हैं जिससे कि लोग कनेक्ट हो सकें सही कह रहा हूं मैं बिल्कुल 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 और वैसे भी अगर मैं अभी इसी प्रश्न को अगर पार्ट टू में जाऊं और मैं ये कहूं कि मैं आपके विषय में बात नहीं कर रहा हूं एक सामान्य भरतनाट्यम के कलाकार से अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि जिस तरह से कथक है या दूसरे आर्ट फॉर्म है उसमें कहते हैं कि दोनों पक्ष बहुत जरूरी होते हैं भरतनाट्यम की प्रस्तुतियों में भी कितना जरूरी है कि एक अच्छे कलाकार का ये दोनों ही पक्ष संतुलित हो और दोनों ही पक्ष स्ट्रांग हो ये बहुत जरूरी है भरतनाट्यम में तो है ही क्योंकि भरतनाट्यम का प्रेजेंटेशन का फॉर्मेट ही बैलेंस्ड है तो आ, उसको पन, हम पंचतत्व बोलते हैं भरतनाट्यम की जैसे आ, कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे अदर स्टाइल से भरतनाट्यम अपार्ट फ्रॉम उसका ज्वेलरी कॉस्ट्यूम वो तो डिस्टिंक्टली डिफरेंट है लेकिन वो बहुत कुचिपुड़ी के पास में भी जाता है तो उसका उसमें भी बहुत सिमिलैरिटीज है तो जो टेक्निक की टेक्निक के पांच तत्व है जो आप भरतनाट्यम में देखेंगे वो बाकी के बाद में डेवलप हुए स्टाइल्स ने भी अपनाए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है जिसको मार्गम बोलते हैं जैसे उसको एक वे ऑफ प्रेजेंटेशन है तो कोई भी भरतनाट्यम का परफॉर्मेंस विल स्टार्ट विथ अलारिकू Then, so is, uh, वो जो होते हैं जो बोल होते हैं तो नृत्य शुरू होके फिर एक सिंपल अभिनय का पीस आएगा फिर नृत्य और अभिनय आएगा फिर प्योर अभिनय आएगा फिर फिर से तराना या तिलाना जैसा uh, नृत्य प्योर डांस का कॉम्पोजिशन आएगा और बाद में एक भक्ति uh, पदम भक्ति का कुछ अभिनय कंपोजिशन uh, करके वो खत्म होगा तो ये जो uh, मार्ग है इसको जैसे टेंपल के जैसा बोला गया है जैसे आप टेंपल में अंदर जाते हो तो एक आवार होता है उसके बाद में आप गर्भगृह में आगे ऊपर चढ़ के फिर नीचे आप गर्भगृह में जाओगे तो वैसे ये मार्गम तो इट इज लाइक बैलेंस तो उसमें अभिनय और नृत्य जैसे आपने बोला कि प्योर डांस और इंटरप्रिटेटिव डांस का बहुत बैलेंस ये मार्गम में ही रखा गया है तो नृत्य और नृत्य दोनों पक्ष लेकिन उसका ऐसे बाइफर्केशन नहीं है जैसे कथक के प्रेजेंटेशन में होता है जैसे नृत्य का प्रेजेंटेशन के बाद में अः का प्रेजेंटेशन आएगा वैसे भरतनाट्यम में नहीं होता इट इज लाइक वन आफ्टर दी अदर वो आते जाता है और उसका भी एक बैलेंस रखा है कि दो अगर प्योर डांस के पीसेस हो गए तो उसके बाद में अभिनया का पीस आया जैसे वर्णम एक बीच वाला बड़ा कॉम्पोजिशन है जिसमें नृत्य अभिनय स्वर बोल सभी चीजें उसमें एकत्रित पद्धति से आ जाएंगी तो मुझे लगता है कि भरतनाट्यम एक बहुत ही बैलेंस स्टाइल है और ये जो बैलेंस का प्रिंसिपल है वो हर एक कोई भी आप भरतनाट्यम डांसर ले लो उसके दिमाग में वो आएगा कि ये दो चीजें हमें उसमें फिर अभिनय में रति वात्सल्य भक्ति का भी यू नो इनकॉर्पोरेशन ऑफ दैट वो भी है क्योंकि आप देखेंगे कि जैसे ओडिसी जैसी स्टाइल में सिर्फ श्रृंगार ज्यादा वो श्रृंगार है कथक में नृत्य प्रोडोमंट है अट्टम में आ, आप देखेंगे कि उसमें थोड़ा लिरिकल ज्यादा स्लो और लिरिकल स्टाइल है लेकिन भरतनाट्यम में ये तीनों भाव आपको अच्छे से उसमें आते हुए आ, देखेंगे पूरे बॉडी बा, का संचलन आपको दिखेगा ऐसे नहीं कि कभी सिर्फ पाव का संचलन है या हाथ का है ऐसे नहीं है जो भी मूवमेंट्स है वो टोटल बॉडी मूवमेंट में ही आता है तो ये सब ये सब की वजह से शायद वो एक दिमाग में ही है कि उसका एक बैलेंस प्रेजेंटेशन होना चाहिए और अरुंधति जी जब आप नृत्य कर रही हैं और जब आप किसी अपने शिष्यों के लिए किसी नृत्य की कोरियोग्राफी कर रही हैं दोनों में फर्क क्या है मतलब जो जो कंसीव करना कहते हैं ना किसी किसी भी रचना को उसको आप कंसीव करते हैं खुद डांस करते वक्त क्या थॉट प्रोसेस होता है और जब ये पता हो कि खुद डांस करना नहीं है बल्कि इसकी कोरियोग्राफी करानी है और अपने शिष्यों को तैयार कराना है क्या कोई फर्क होता है विचार में इन दोनों के अः फर्क तो होता है एक ही कॉम्पोजिशन अगर मुझे डांस करना है और मुझे सिखाना है उनको तो मैं थोड़ा ये भी सोचूंगी कि इनकी कैपेसिटी क्या है ये क्या अच्छे से कर सकते हैं तो शायद वही कॉम्पोजिशन मैं थोड़ा मॉडिफाई करके मैं ये ना ही बोल रही हूँ कि डिफिकल्ट uh, या कम डिफिकल्ट लेकिन उनकी कैपेसिटी के अनुसार मैं उनको uh, थोड़ा सा मॉडिफाई करके वो सिखाऊंगी अपने आप के करते uh, करते वक्त मैं यह सोचूंगी कि मेरे ऊपर क्या अच्छा दिखेगा जैसे एक कपड़ा है जो हमें तागे में है लेकिन अपने लिए उसका कुछ सिलाना और दूसरे दूसरे के लिए सिलाना इसमें फर्क है वो सेम कपड़ा डिफरेंट दिखेगा और वो दिखना चाहिए सबके ऊपर क्योंकि हर व्यक्ति एक अलग अलग प्रकृति लेके आता है तो डांस एक ही ऐसा कला का माध्यम है जिसमें आप कला और कलाकार सेपरेट नहीं कर सकते वो कला और कलाकार एक ही है आप एक ही साथ में उनको देखेंगे तो अगर उनका कलाकृति और कलाकार दोनों अगर एक ही प्लेन पे है दोनों अगर एकत्रित रूप से आपके सामने आ रहे हैं तो उसका एक बहुत सुंदर चित्र आपको दिखता है अगर वो कलाकार कंफर्टेबल नहीं है जो वो डांस कर रहा है तो आई I मीन mean, प्रैक्टिस से तो एक लिमिट तक आप कंफर्टेबल हो भी जाओगे लेकिन फिर भी, 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 वैचारिक रूप से अगर आप उसमें आ, उसको न, ले नहीं पा रहे तो फिर उसका प्रेजेंटेशन उतना अच्छा नहीं होगा तो मैं ये सोचती हूँ कि कोई भी कोरियोग्राफी हो वो वो व्यक्ति के अनुसार थोड़ा थोड़ा उसमें कुछ ना कुछ बदलाव तो आना चाहिए और मैं सोचती हूँ कि वो वो मैं करती हूँ आपकी डांस कंपनी भी है कला के नाम से उसके बारे में भी बताइए और ये भी बताइए कि उसका उसको लेकर लोगों का रिस्पांस कैसा है मतलब जो एक तो हो गए जरूर निश्चित तौर पर उसमें कुछ लोग नृत्य सीखते होंगे आम आदमी का रिस्पांस क्या है आपके घर के बगल में रहने वाले व्यक्ति का रिस्पॉन्स क्या है या पांच घर आगे छोड़ के कैसे लोग उसको अप्रीशियेट करते हैं या कैसे उसको वेलकम करते हैं जैसे मैंने पहले बोला कि आई का आ, उसके सामने जो टास्क था वो लोगों को इस शैली को इंट्रोड्यूस करना उसके बारे में बोलना उनको एक्वेंटेड करना उससे अभी जब मैंने डांस शुरू किया तो ये था कि तो आपकी माँ तो इतनी इतनी बड़ी डांसर है तो नो और उस टाइम ऐसा था कि सबको डांस सीखना था उनको आगे जाके कुछ अलग करना है लेकिन डांस मुझे सीखना है. तो हमारे अ uh, सामने ये चैलेंज था कि इनको ये क्लासिकल डांस के मोड में कैसे लाए सीखने में छह साल लगते हैं दो साल में क्लासिकल डांस नहीं आएगा ये सब बताने के लिए तो मुझे लगता है कि हम बहुत बहुत हद तक इसमें सक्सेसफुल हो गया है कि लोग, आ, हमें, लोग वेट करते हैं कि हमारा बैच जो है लाइक सिखाने की आ, इसमें जानवरी में हमारा नया बैच शुरू होता है हमारी बहुत पुणे में बहुत सारे सेंटर्स पे हमारा कोर्स चलता है तो दे वेट फॉर दैट कि अभी इनका नया बैच शुरू होगा तो हम लोग एडमिशन लेंगे तो आप समझ पाओगे कि ये पंद्रह सालों में हम इतना इतनी आ, लोगों को सिखाते आए हैं कि दिखाते आए हैं सिखाते आए हैं कि इतना करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा इट इज नॉट समथिंग लाइक अ फास्ट फूड यू हैव टू यू नो वो दाल बनाने के लिए उसको उतनी देर पकाना पड़ेगा तभी वो स्वादिष्ट पकवान बन पाएगा उससे तो ये हम कर पाए हैं और डांस uh, कंपनी का अचीवमेंट मैं बोलूंगी कि अभी हमारे यहाँ बाहर से भी uh, लोग सीखने को आते हैं वो हमारे साथ रहते हैं uh, सीखते हैं, डांस करते हैं और स्पेसिफिकली हमारा नाम आई I मीन mean, हमारे लिए वो पूना में आते हैं ये बहुत बड़ी uh, बात है नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया महाराष्ट्र बट ऑल्सो फ्रॉम अदर कंट्रीज पीपल सर्च फॉर अस एंड दे कम सो आई थिंक कुछ तो छोटा मोटा काम हमने कर लिया जो यू नो लोगों को उसमें लगता है कि अगर यहाँ पे आए तो हमें कुछ अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिलेंगी डांस करने को मिलेगा तो देर आर गर्ल्स हु वर्क विथ मी वो आ, हमारे डांस कंपनी में दे आर पेड डांसर्स है वो हमारे साथ काम करते हैं उनको उन्होंने करियर डांस लेके अभी आ, करने का सोचा है तो ये सब मुझे लगता है कि छोटी छोटी अचीवमेंट्स है जो uh, हमारे यहाँ थोड़ी सी डिफिकल्ट है लेकिन आई एम ट्राइंग दैट पीपल शुड थिंक डांस एज करियर पीपल शुड थिंक दिस एज प्रोफेशन नॉट ओनली योर पैशन नॉट ओनली कि मैंने इतने इतने घंटे रियाज किया वो तो ठीक है वो आपके पैशन के लिए लेकिन फाइनलील्सो योर सेल्फ आई ऑलवेज फील दट हर कलाकार को यह भी सोचना चाहिए कि ऐसे नहीं कि खाना नहीं मिला तो चलेगा लेकिन डांस करना है नहीं मुझे लगता है कि डांस ऐसी कला ऐसी चीज है जो सब कुछ आपको दे सकती है और उससे अगर आप सोचोगे वैसा थोड़ा सा मॉडर्न तरीके से शायद लेकिन उसका परिणाम धीरे धीरे आई एम वेरी हैप्पी विथ सिशन राइट ना बिल्कुल अगर माँ सरस्वती के साथ लक्ष्मी जी भी रहे तो उसमें कोई बुराई नहीं है। <laughs> <बिल्कुल>। अरुन्धति <laughs> पटवर्धन जी डॉक्टर पटवर्धन कब बनने जा रही हैं? <laughs> पता नहीं शायद एक साल भर में अभी वो पाइपलाइन में है मेरा पीएचडी और आ, अगर एक मिनट है तो मैं बोलना चाहूंगी मेरे विषय के बारे में Uh, महाराष्ट्र को uh, आ, आ, हमारे यहाँ क्लासिकल डांस स्टाइल नहीं है लास्ट टू हंड्रेड इन वी डोंट लेकिन अर्ली मीडिवल पीरियड के अगर टेम्पल्स देखे जाए जो भी है थोड़े थोड़े बहुत महाराष्ट्र में क्योंकि महाराष्ट्र वॉज ऑलवेज अंडर इन्वेजन तो यहाँ पे तो ज्यादा टेम्पल्स रहे नहीं और जो भी है उसपे इतने अच्छे डांस स्कल्पर्स है और औरंगाबाद के पास संगीत रत्नाकर ये जो ग्रंथ है उसमें एक नृत्याध्याय वो ग्रंथ तभी उसी पीरियड में अर्ली मिडिवल पीरियड में महाराष्ट्र में ही लिखा गया है तो ये साबित करता है कि कभी तो महाराष्ट्र में क्लासिकल डांस स्टाइल हुआ करती थी और नहीं तो ऐसे पाते ही नहीं हम इतने इतने सुंदर स्कल्पचर्स होते ही नहीं और नॉट ओनली स्कल्पचर्स बट आर आई का एक ड्रीम है जो उनका एक उनका रिसर्च है जो हिंदुस्तानी संगीत के साथ भरतनाट्यम ऐसे वो प्रयोग करती है उसको वो नृत्य गंगा बोलती है क्योंकि गंगा एक ऐसी नदी है जो नॉर्थ साउथ सभी सभी को You know, एकत्रित करती है तो अः ये मेरा रिसर्च शायद उसकी तरफ जाएगा कि ये जो नृत्य गंगा का प्रयोग है वो आ, भरतनाट्यम की एक सिस्टर स्टाइल जैसा बन जाए जो महाराष्ट्र की अपनी स्टाइल जिसमें भरतनाट्यम का उत्तम टेक्निक है और जो संगीत हम हमें अच्छा लगता है हम सुनते आए हैं वो हिंदुस्तानी संगीत भी है तो आ, आई होप कि एक साल भर में मैं ये मेरा पीएचडी पूरा कर पाऊंगी क्योंकि पैंडमिक में मैं फील्ड वर्क नहीं कर पाई तो वो दो साल थोड़ा सा काम बंद था लेकिन अभी सब खुल गया है वापस तो विदिन अयर और सो आई गेस आखिरी सवाल मेरा ये बताइए आप मुझे कि आई कि आपने इतनी सारी बातें की जब वो आपको सिखा रही थी एक कलाकार के तौर पर गढ़ रही थी उन्होंने कौन सी कोई एक बात ऐसी कही हो कि अच्छा कलाकार बनना है तो ये काम कभी मत करना कोई ऐसी नसीहत कोई ऐसी सीख आ, अपने कला से कभी प्रताड़ना नहीं करना अपने आप से आपको अगर

उन उन्होंने उनके लाइफ आई मीन एवरी डे लाइफ जो मैं देखती हूँ uh, वो कुछ अलग सोचती ही नहीं है अगर आपको ऐसे कलाकार बनना है तो uh, उसमें पूरा घुल जाना ही उसका यू uh, नो you know, वही होना चाहिए आपका आपका दिमाग एक एक तरफ चलना चाहिए वो आपका आपका डांसिंग हो और करना नहीं चाहिए जो उसकी तरफ no lies about that you have to to be very true to your art That's something she always do बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामनाएं आपको आप जल्दी डॉक्टर बने आप डॉक्टर बनने के अलावा नृत्य आपका और आ, हमारे तक पहुंचे और आ, बहुत बहुत धन्यवाद आपको समय

प्रसीद प्रसीद प्रभु मम मध हरि प्रसीद प्रसीद प्रभु मम मध हरि प्रसीद प्रसीद प्रभु मम मध हरि